अस्सलाम वालेकुम। डाइट प्लान्स क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि फूड साइंस तो एक कॉमन सेंस है, हमें पता है हमने क्या खाना है, हमें पता है हमने क्या अवॉइड करना है और इसी से हमारे सारे मसले मसाइल जो है वो ठीक हो जाने हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब वो मेरे पास आते हैं काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वेट को लेकर, तो वो एक बड़े मज़े की बात करते हैं कि हम डाइटिशियन खुद बन चुके हैं, हमने इतना न्यूट्रिशन को पढ़ लिया, हमने इतनी वीडियोज़ देख ली हैं कि हम तो खुद ही डाइटिशियन बन गए हुए हैं। अगर ऐसा इतना आसान होता तो ये डिग्री जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट ना होती। सबसे पहले तो एक चीज़ को समझें कि आप इंटरनेट से देख के डाइट प्लान अगर फॉलो करते हैं तो वो कस्टमाइज्ड नहीं होता। कस्टमाइज्ड से मुराद ये है कि हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, वो आपके लिए टेलर मेड नहीं है, वो आपके टाइमिंग्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ हुआ, वो आपके मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से नहीं बना हुआ, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से नहीं बना हुआ, वो एक जनरल डाइट प्लान है। हाँ, जहाँ तक बात है कि क्या चीज़ अच्छी है, फल अच्छे हैं, दूध अच्छा है, क्या चीज़ बुरी है, ये तो हमें इंटरनेट से भी पता चल जाता है। आज की ही एक बात है कि मैं एक डॉक्टर साहिबा की कंसल्टेशन कर रही थी जो खुद गायनी की डॉक्टर थी, और उन्होंने मुझे बोला कि दूध तो हमारा वज़न बढ़ाता है। यही मसले मसाइल होते हैं जब हम डाइट खुद से करने की कोशिश करते हैं। दूध वज़न, इसका भी मैं जवाब दे दूँ, दूध अगर जोर से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो वज़न बढ़ाता है, अगर एक हद में रह के डेयरी का इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी वेट गेन नहीं कराता। कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी मेडिकल हिस्ट्री में। एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक पेशेंट को शुगर है तो उसको पता है कि उसने चीनी नहीं खानी, मगर उसने रोटी कितनी खानी है, वो जितनी इंसुलिन दे रहा है उसके हिसाब से रोटी कितनी होगी, फिर ग्रेजुअली अगर इंसुलिन कम होना शुरू होती है तो कार्ब्स कितने होने चाहिए, उसके साथ फल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दूध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके साथ बहुत सारे पेशेंट्स, जिस पर मैंने पिछले दिनों एक छोटी सी वीडियो भी लगाई थी कि बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि हम जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं चाहे वो फ्रूट जूसेस हैं, तो उससे स्किन बेहतर रहेगी, हेयर फॉल वगैरह के मसले नहीं आएंगे। स्मूदीज बना बना के पीने से, जूसेस पीने से आपको फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहे होते हैं, एंड अगेन ये बात पेशेंट को पता भी नहीं होती। तो कस्टमाइज डाइट प्लान आपकी मेडिकल हिस्ट्री, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो, आपका वेट कंसर्न है या नहीं कंसर्न, शुगर को लेकर, यूरिक एसिड को लेकर, आपकी जो करंट हेल्थ है उसको लेकर कस्टमाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यही चीज़ जो है वो पेशेंट समझ नहीं पाता।